पूर्णिया के बनमनखी थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के समीप की एक महिला की झुलसकर मौत हो गई है। हालांकि झुलसने के बाद उन्हें विशेष उपचार के लिए पूर्णिया के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, किंतु उपचार के दरमियान महिला वर्षा देवी की मौत हो गई। वर्षा की मां संगीता देवी ने वर्षा की मौत के लिए दामाद, ससुर एवं ससुराल पक्ष के अन्य लोगों को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि वर्षा को जलाकर मारा गया है, जिसमें वर्षा के पति, सास, ससुर, देवर सभी शामिल हैं। इधर वर्षा के पति ने बताया कि वर्षा ने खुद ही अपने शरीर में आग लगा ली है, क्योंकि घर में मोबाइल से किसी रिश्तेदार से बात करने को लेकर उसके भाई के साथ विवाद हुआ था। इसी से गुस्सा कर वर्षा ने तेल छिड़क कर शरीर में आग लगा ली। हालांकि इस दरमियान पति उदय गोस्वामी ने जो कहा, उसमें यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर उसके रहते हुए उसका छोटा भाई ने वर्षा को क्यों प्रताड़ित किया। बहरहाल पुलिस ने परिजनों का बयान दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। कोनो बात भेल हेते ने मटर साइकिल मांगे रे 1000 देलिए बात के तय कर ले रे। आप धीरे धीरे मन पर लागे छे मांगते त ईरा कैसे जलेल के एकरा अब हमरा मालूम ही सब नै कहल के जला उला कर चल ले इलाज करवे ला तब हमरा पड़ोसी आगल बगल छे कि तोर बेटी सीरियस छे पारब छे ने अब दामाद छे ने सौ छे ससुर छे दियर छे सब बिहार से मार ले के मारते बाबू सब मिल के मारने छे सब मिल के मारने छे। डेथ कैसे हो गया? डेथ वो खुद किया है। क्या कर ली वो कोई शक था उसे हमरा भाई को कोई शक था कि मेरा मामा के लड़का से बात करता है, तो हम मामा को फ़ोन किए तो मामा बोला कि आपका बीवी हमको फ़ोन नहीं किया था, तो वो कॉल डिटेल है ना, तो कॉल डिटेल में हम ही मामा को फ़ोन किए थे, बोले थे कि हाँ पूछे थे कि मेरा बीवी आपको फ़ोन किया था, तो बोला आपके मामा को। हाँ अच्छा, जैसे मेरा मामा का लड़का के पास मोबाइल रहता है ना, उस टाइम मेरा मामा के पास था अच्छा मोबाइल मामा के पास। हाँ, तो हम फ़ोन करके फ़ोन लगाए तो मामा उठाया, मेरा मामा उठाया तो हम उसको पूछे जब फ़ोन किया था, बोला कि नहीं, तो वो कॉल में होता है ना ओ पी टी लेता है कि जैसे किसी को भी कॉल कीजिएगा वो ट्रैक हो जाता है कि हाँ। बात होता है तो जान जाता है ना, बस इतना सा बात हुआ। उसके बाद मेरा बीवी कहने लगा कि तुम मेरा भाई को कि मेरा मामा को जो गाली दिया है उससे माफ़ी मांगो, तो बोला कि जब मैं मामा को गाली दिया ही नहीं तो माफ़ी क्यों मांगूँगा, बस इतना सा बात था और कुछ नहीं था। तो उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद वो दरवाज़ा बंद कर दिया, तो ऐसे तो अक्सर लड़ाई होता था, हमसे भी होता था। हाँ। तो दरवाज़ा बंद करके 1-2 घंटा आराम करता था, उसके बाद शांति से निकल जाता था, फिर दोनों बढ़िया से रहते थे। हम सोचे कि दरवाज़ा बंद किया है तो सोया होगा पलंग पे, तो अंदर में क्या कर लियो? हाँ, तो अंदर में क्या कर रहा था हम नहीं देखे थे, हम बाहर में बंगला था मेरा घर के आगे। हाँ। उसके बाद वो दौड़ के मेरा बाथरूम करीब 30 कदम है, बाथरूम के उधर गया तो मेरा मम्मी बोला कि देखिए ना पीछे से पुतहु बोलता है ना, उसको पुतहु गया तब उधर से गए देखते कि पूरा ये लगा हुआ, तब उसको हम बोला से इसको बुझाए, उसके बाद इसको हॉस्पिटल ले जाए साइलेंट करके रखी थी। तो ठीक है, जब यहाँ इलाज में आ गए तो भी आपको दिमाग में नहीं आया कि फ़ोन कर दें? जी हमको सो नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा, सो ही नहीं, मेरे पास मोबाइल भी नहीं था। उसके बाद जब हम गाड़ी पे इसको बोझ के लाए तब रास्ता में मोबाइल निकालते हैं तो मिस कॉल देखे, तब इसको फ़ोन किए। वो लोग तो आरोप लगा रहा है कि आप मोटरसाइकिल मांग रहे थे और क्या क्या मांग रहे थे, इसमें कोई बात नहीं है। तो वो तो बता रही कि आप उधर से वही फ़ोन की थी, मेरे को बाइक चलाना आता ही नहीं तो मैं बाइक किधर से मांगे,